अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के आउटलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 2 में आज हम टॉपिक देखेंगे ओटमन अम्पायर, ओस्मानी सल्तनत। सो ओटमन अम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अम्पायर्स इन हिस्ट्री लास्टिंग फ्रॉम 1299 टू 1923। It was a territory span three continents as its height, including parts of Europe, Asia, and Africa. So the empire had a profound impact on the regions it controlled, particularly in terms of culture, politics, and economics. Osmani सल्तनत तारीख की एक सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी जो 1299 से 1923 तक कायम रही और इसका एक वसी इलाका अपने अरूज पर तीन बराजमों पर फैला हुआ था जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्से शामिल थे और सल्तनत ने इन इलाकों पर गहरे असरात मरतब किए थे, खासतौर पर सकाफत, सियासत और मईशत के अतबार से। सो हम स्टडी करेंगे उस्मानी तुर्कों के अरूज और सवाल को, उनके समाजी साख्त को, मजहबी अकलियतों के साथ उनके सलूक को और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे सकाफत, फ़नून और फ़न तमीर में उनके किरदार को। Then rise and fall of the Ottoman Empire, Turks 1299 to 1923. Foundation of the Empire 1299. उस्मानी तुर्कों का अरूज और सवाल। सल्तनत की बुनियाद रखी गई। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद उस्मान अव्वल ने 1299 में शुमाल मगरबी अनातोलिया, जो कि मौजूदा तुर्की है, इसमें रखी गई थी। ये एक छोटी रियासत के तौर पर शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके में इसको वुसअत मिली। सो उस्मान के जानशीनों, खासतौर पर जो अरबान और मुराद अव्वल ने हमसाया इलाकों की फतह जारी रखी जो सल्तनत की बुनियादों को मुस्तहकम करती रही। देन हम स्टडी करेंगे एक्सपेंशंस एंड गोल्डन एज 14 टू 17 सेंचुरीज, तो सी और तलाई दौर जो कि 14वीं से 17वीं सदी तक था। सो कंस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनिया की फतह 1453 में हुई, तो सुल्तान मोहम्मद दोम के ज़ेर क़यादत उस्मानियों ने कॉन्स्टेंटिनिया को फतह किया जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मे का निशान बनाया और शहर को नए सल्तनत दार हुकूमत इस्तांबुल में तब्दील कर दिया। तो फिर उस्मानियों ने मशरकी यूरोप और मशरकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में अपने इलाके को वसअत दी जिसका अरूज जो था वो सुल्तान सलमान अज़म के तहत हुआ था और जो अपने फौजी फतूहात और अहम कानूनी इस्लाहात के लिए मशहूर है। तो सल्तनत तिजारती, सकाफ़ती और इसके अलावा इल्मी जो यानी कि मरकज़ थे, बराज़म थे, तो इल्मी मरकज़ के तौर पर जो उभरी थी जो तीन बराज़मों में मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर असर अंदाज हुई। देन डिक्लाइन, जवाल 17 to 20 सेंचुरी, तो उस्मानी सल्तनत का जवाल 17वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ जो कई अवामिल की बिना के ऊपर हुआ। उनमें फैक्टर्स शामिल थे मिलिट्री डिफीट्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो फौजी शिकस्तें थी, जंगों में शिकस्त, इसमें वियना की जंग थी 1683 के अंदर, इसमें सल्तनत की फौजी ताकत को कमज़ोर कर दिया। देन इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो इक्तसादी चैलेंजेस क्या थे कि यूरोपी ताकतें उभरी थी और तिजारती रास्तों का शिफ्ट होना उस्मानी इलाकों से तिजारत को दूर ले गया जिसकी वजह से इक्तसादी मुश्किल पैदा हुई थी। उसके अलावा इंटरनल प्रॉब्लम्स थी यानी दाखिली मसाइल थे, तो करप्शन, इंतज़ामी नाकामियाँ और मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों के दरमियान जो के कौमी तहरीकें थी वो मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज करने लगी थी। तो सल्तनत जो थी यानी कि 19 सेंचुरी में अहम इलाकाई नुकसान का इसने सामना किया जिसका अरूज पहली आलमी जंग 1914 टू 1918 में हिस्सा लेने से हुआ था। सो डिफीट इन द वार and the subsequent treaties lead to the dissolution of the empire, officially ending in 1923 with the establishment of the Republic of Turkey under Mustafa Kemal Atatürk. जंग में शिकस्त और उसके नतीजे में मुआहिदों ने सल्तनत की तहलील की जो 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातर्क की क़यादत में तुर्की जमहूरिया के क़याम के साथ ख़त्म हुई। स्टेट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी अंडर द ऑटोमन्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस्मानियों के तहत रियासत, मुआशरत और मईशत। तो सियासी ढांचा कैसा था उस्मानी सल्तनत का? उस्मानी सल्तनत एक एब्सोल्यूट बादशाह थी, एक मुतलक अनंत बादशाह थी जिसके सरबरा सुल्तान थे जो रियासत पर मुकम्मल इख्तियार रखते थे और एक हिरारिकल इंतजामी निज़ाम कायम किया गया था जिसमें सूबाई गवर्नर ने मकामी अमूर का यानी कि वो इंतज़ाम करते थे सूबाई गवर्नर, और दीवान या शाही कौंसल सुल्तान को हुक्मरानों में मदद देती थी, हुक्मरानी में, और मुतलब ब्यूरोक्रेटिक ओहदे मुंतखब ओहदेदारों के पास होते थे। देन सोसाइटी Ottoman society was diverse, comprising various ethnic and religious groups, including Turks, Arabs, Greeks, Serbs, Jews and Christians. उस्मानी माशरा जो था वो डावास था, जिसमें मुख्तलिफ नस्ली और मजहबी गिरोह शामिल थे, जैसा कि तुर्क, अरब, यूनानी, सर्ब, यहूदी और ईसाई। तो जो इसके अंदर मिलियत निज़ाम था, उसने मजहबी अकलियतों को अपने कवानीन और तारीखों के मुताबिक खुद को ऑर्गेनाइज करने की इजाज़त दी, जबकि वो सुल्तान के वफादार रहे और ये एक किस्म की खुद मुख्तारी और समाजी इस्तेहकाम को फरोग देता था। So society was stratified with a clear distinction between the ruling class, the elite, and including the military and administrative officials, and common people, including farmers and artisans. तो मुआशरे में जो तबकाती फर्क था वो वाज़े था, जिसमें हुकूमती तबका, जिसमें आली तबका था, जिसमें फौजी और इंतजामी अहदेदार होते थे और बाकी आम लोग, जिसमें किसान और कारीगरों के दरमियान वाज़े तफरीक मौजूद थी। देन हम डिस्कस करते हैं इस दौर की इकॉनमी को कि इकॉनमी का निज़ाम किस तरह का था। तो उस्मानी मईशत बुनियादी तौर पर ज़राअत के ऊपर मुनहसर थी, जिसमें ज़राअत का मरकज़ी किरदार था और ज़मीन रियासत की मलकियत होती थी और किसान ज़मीन के इस्तेमाल के बदले टैक्स अदा करते थे रियासत को। तो सल्तनत की जो स्ट्रेटजिक जगह थी, उसने तिजारत को प्रमोट किया। यूरोप और एशिया के दरमियान अहम तिजारती रास्तों के साथ ये जुड़ा हुआ था। द ऑटमन कंट्रोल्ड वाइटल ट्रेड हब्स फैसिलिटेटिंग कॉमर्स, और अहम तिजारती मराकज़ के ऊपर उस्मानियों ने कंट्रोल हासिल किया और जिससे कारोबार की सहूलत फराहम की। इसके अलावा देवशर्मे निज़ाम ने उस्मानियों को ईसाई ख़ानदानों से बासलाहियत अफराद को भर्ती करने की इजाज़त दी, जिन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता था और उन्हें फ़ौजी और इंतज़ामी किरदारों के लिए तरबियत दी जाती थी। सो दिस हेल्प क्रिएट अ लॉयल एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, ये एक वफादार और हुनरमंद इंतज़ामी तबके की तख्लीक में मदद करता था। देन हम डिस्कस करते हैं द ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस मिनोरिटीज़ मिलत सिस्टम। तो मजहबी अकलियतों के साथ सलूक किस तरह से किया जाता था। मिलत निज़ाम उस्मानी सल्तनत का एक मुनफरद, एक अलग एस्पेक्ट था, जिसने मुख्तलिफ मजहबी कम्यूनिटीज़ को अपने कवानीन और रसूमात को बरकरार रखने की इजाज़त दी। तो हर मिलत के पास अपने रहनुमा होते थे जो अपने माशरे की नुमाइंदगी उस्मानी हुकाम के सामने करते थे, और जिससे अकलियतों जैसे यहूदियों, ऑर्थोडॉक्स, ईसाइयों और आर्मीनियों के दरमियान खुद मुख्तारी का एहसास पैदा होता था। Then religious tolerance, मजहबी रवादारी। Ottomans were generally known for their relative tolerance towards religious minorities. Although Islam was the dominant faith, other religions were allowed to practice freely, provided they paid a tax called Jizya. तो उस्मानी जो थे वो आमतौर पर मजहबी अकलियतों के साथ अपनी रवादारी के लिए मशहूर थे। इस्लाम गालिब मजहब था, लेकिन दूसरे मजहब को अपनी इबादत करने की आज़ादी थी, शर्त यह थी कि वो जुजिया नामी टैक्स अदा करें। जबकि कुछ अदवार में तनाव और तनाज़ात की सूरत हाल देखी गई, खासतौर पर 19 सेंचुरी में कौम परस्ती के उभार के दौरान बहुत से अकलियती जमातें उस्मानी हुकूमत के तहत परवान चढ़ी। देन चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिस्पाइट द सिस्टम एडवांटेजेस, देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ पर्सिक्यूशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। चैलेंजेस और तनाज़ात क्या थे। इस निज़ाम के फ़वाइद थे, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के औकात में जुल्म, सितम और इम्तियाज़ के वाक़यात भी हुए थे, और 19वीं और 20वीं सदी के आखिर में मुख्तलिफ नस्ली गिरोह में कौम परस्ती में इजाफा हुआ, जिससे तनाज़ात और आज़ादी के मुतालबात पैदा हुए। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स कल्चर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट को कि सकाफत, फ़नून और फ़न तामीर में शराकत किस तरह की थी। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कल्चरल सिंथेसिस, सकाफती इम्तजाज कैसा था। तो उस्मानी सल्तनत मुख्तलिफ सकाफ़तों का एक गुलदस्ता थी जो मशरक़ वस्ता, नॉर्थ अफ्रीका यानी शुमाली अफ्रीका और यूरोप से मुतासिर थी। ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, ये उस्मानी फ़न, मौसीकी और अदब को बहुत ज़्यादा यानी कि इनरिच करती थी। तो उस्मानी तुर्की ज़बान एक मुनफरद ज़बान के तौर पर उभरी थी और फ़ारसी और अरबी के असरात को यकजा करती है, और सल्तनत के अरूज के दौरान अदबी शक्लें भी बढ़ी। देन आर्ट एंड कैलीग्राफी। Ottoman art is known for its intricate designs, particularly in ceramics, textiles and carpets. The use of the vibrant colors and geometric patterns became defining features. उस्मानी फन जो फन थी वो पेचीदा डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, खासतौर पर मट्टी के बर्तन, कपड़ों और कालीनों में चमकदार रंगों और ज्योमेट्रिक पैटर्न का इस्तेमाल मखसूस खसूसियात में शामिल हुआ। खताती को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था, जहां माहिर खतूतों ने मजहबी मतवन और सजावटी कामों के लिए खूबसूरत खतूत तख्लीक किए थे। सो दिस आर्ट फॉर्म वाज कंसीडर्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन ब्यूटी। ये फन एक ऐसा तरीका था जो इलाही खूबसूरती की अक्कासी करता था। फन तामीर की कामयाबियां क्या थी इस दौर में, आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स क्या थी? उस्मान ने अपने फन तामीर की इख्तरात के लिए वो मशहूर थे, इनोवेशंस के लिए मशहूर थे, खासतौर पर मस्जिद की डिज़ाइन में। तो सुल्तान अहमद मस्जिद यानी ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद जो थी वो इस्तांबुल में वाक़ है और इसमें शानदार गुंबद और मीनार शामिल हैं जो उस्मानी फ़न तामीर की शान और शौकत को भी जाहिर करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो सोफिया यानी हाजिया सोफिया की मस्जिद कस्सनिया की फतह के बाद ये मस्जिद में तब्दील होने वाली बाज़ंतीनी उस्मानी फ़न तामीर के तर्ज़ों के इम्तजाज की एक मिसाल है। इसके अलावा सलीमिया मस्जिद थी, लोकेटेड इन एड्राइन। इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मास्टर पीसेज ऑफ ओटोमन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन बाय द फेमस आर्किटेक्ट मीमार सिंह। और एडिर्न में वाक़ जो उस्मानी फ़न तामीर के शाहकारों में शुमार की जाती है, जिसे मशहूर मेमार सनान ने डिज़ाइन किया था। और साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस क्या थी? साइंसी और इल्मी जो शराकतें थी इसमें। सो ओटोमन एम्पायर मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मेडिसिन, astronomy and philosophy. Scholars contributed to knowledge through translations and original works. तो उस्मानियों ने मुख्तलिफ शोबों में अहम तरक्की की, जिसमें मेडिसन, फल्कियात, फलसफा और उल्मा ने तर्जुमों और असल कामों के जरिए इल्म में इजाफा किया। नुमाया इल्म जैसे कि उल्मा थे, जैसे थे ताकिउद्दीन ने इसके अंदर जो यानी कि सदरगाहें कायम की थी और फल्कियाती मुताला में तरक्की की और इस दौर के साइंसी डिबेट्स में अपना उन्होंने हिस्सा डाला था। सो ओटोमन एम्पायर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ द यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इट्स राइज टू पावर मार्क्ड एन एरा ऑफ कल्चरल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, व्हाइल इट्स डिक्लाइन रिवील्ड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्नेंस इन अ डाइवर्स सोसाइटी। तो उस्मानी सल्तनत ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका की तारीख को तश्कील देने में बहुत अहम किरदार अदा किया और उसकी ताकत का अरूज सकाफती और साइंसी तरक्की का दौर था, जबकि जो इसके जवाल था इसका एक मतनू मुआशरे में हुक्मरानी की पेचीदगियों को जाहिर करता है और मजहबी अकलियतों के साथ सलूक जो था वो अमूमन रवादारी का था, रवादार था, लेकिन चैलेंज इसका भी सामना रहा। तो सल्तनत की सकाफत, फ़नून और फ़न तामीर में जो शानदार शराकतें हैं वो एक देर पा विरसा छोड़ गई हैं जो जदीद दुनिया पर असरानंदाज होती है। So understanding the Ottoman Empire is essential for appreciating the historical context that have shaped contemporary societies in the regions it once controlled. तारीख जो तारीखी सियाको सबाक है, ये उस्मानी सल्तनत को समझना, उन तारीखी सियाको सबाक की कदर करने के लिए ज़रूरी है जिन्होंने उसके ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में जदीद मुआशरों की तश्कील में किरदार अदा किया है। सो ये उस्मानी तुर्कों के अरूज और सवाल था, जिसमें हमने देखा कि उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी और किसने रखी थी। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद 1299 में उस्मान अव्वल ने रखी थी। फिर हमने स्टडी किया कि वो कौन सा वाक़या था जिसने बाज़ंतीनी सल्तनत के खात्मे की निशानदेही की थी। तो बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा 1453 में कॉन्स्टेंटिनिया यानी इस्तांबुल की फतह से हुआ था। हमने डिस्कस किया वो सुल्तान कौन था जिसने 16th सेंचुरी में सल्तनत के अरूज को देखा था। तो सुल्तान सलमान अव्वल ने 16th सेंचुरी में सल्तनत के अरूज का मरूफ वो सुल्तान था जिसने उसको देखा था। फिर उस्मानी सल्तनत के जवाल में क्या अहम अवामिल शामिल थे? उस्मानी सल्तनत के जवाल में कई अहम अवामिल शामिल थे जिनमें दाखिली इंतशार था, माली मुश्किलात थी और यूरोपी ताकतों की बढ़ती हुई मदाखलत शामिल थी। देन हमने स्टडी किया कि उस्मानी सल्तनत कब बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हुई और उसकी मुतबादल क्या कायम हुआ था। तो उस्मानी सल्तनत 1922 में बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हुई और उसके मुतबादल तुर्की जमहूरिया कायम हुई। देन हमने पॉइंट 2 में देखा कि उस्मानों के तहत रियासत, मुआशरा और मईशत कैसी थी। उस्मानी सल्तनत का सियासी ढांचा क्या था? उस्मानी सल्तनत का सियासी ढांचा मरकजियत के ऊपर मबनी था, जिसमें सुल्तान सबसे आला मकाम पर था और उसके बाद मुख्तलिफ ओहदों पर वज़रा, बेग और बाकी हुकाम होते थे। देन हमने स्टडी किया कि उस्मानी माशरे में मिलत का निज़ाम किस तरह का था। तो मिलत का निज़ाम मजहबी अकलियतों को अपनी मजहबी शनाख्त, कवानीन और समाजी खिदमत को बरकरार रखने की इजाज़त देता था, जिससे उनकी हैसियत महफूज रहती थी। देन हमने स्टडी किया कि उस्मानी मईशत में ज़राअत का क्या किरदार था। तो ज़राअत उस्मानी मईशत की बुनियाद थी और उसके ज़रिए बुनियादी खुराक और तिजारती चीज़ें फराहम करने की इजाज़त दी जाती थी। देन उस्मानी हुकूमत में बैग कौन था? बैग मकामी हुकाम थे जो मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत करते थे और उनकी जिम्मेदारियों में कानून नाफिज करना और माली अमूर की निगरानी शामिल थी। देन देवशेरम निज़ाम ने उस्मानी इंतजामी ढांचे में किस तरह से मामनत की थी? तो देवशेरम निज़ाम जो था वो नौजवान ईसाई लड़कों को फौजी और इंतजामी ओहदों के लिए तरबियत देने का एक तरीका था, जिसने उस्मानी हुकूमत की ताकत को बढ़ाया। देन हमारा थर्ड पॉइंट था कि मजहबी अकलियतों के साथ सलूक इस दौर में किस तरह का था। मिलत का निज़ाम क्या था और ये मजहबी अकलियतों के लिए किस तरह फ़ायदा मंद था? तो मिलत का निज़ाम मजहबी अकलियतों को उनकी मजहबी खुद मुख्तारी की ज़मानत देता था, जिसकी वजह से वो अपनी सकाफत को और अपने रवायात को बरकरार रख सकते थे। देन हमने स्टडी किया कि उस्मानियों ने गैर मुस्लिम कम्यूनिटियों के साथ मजहबी रवादारी का मुजाहरा किस तरह से किया। तो उस्मानी सल्तनत ने गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत के तरीके जारी रखने की आज़ादी दी और उन्हें अपने मजहबी कवानीन की पैरवी करने की इजाज़त दी थी। उस्मानी हुक्मरानी के तहत मजहबी अकलियतों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मजहबी अकलियतों को कभी कभार इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, कभी टैक्स का और सियासी शिरकत में महदूदियत का भी सामना था। तो गैर मुस्लिमों को कौन सा टैक्स देना पड़ता था और उसे क्या कहा जाता था? गैर मुस्लिमों को जुजिया के नाम से जाना जाने वाला टैक्स देना पड़ता था। और आखिरी उस्मानी दौर में नस्ली गिरोह के दरमियान कौम परस्ती ने अकलियतों के साथ सलूक पर किस तरह असर डाला। हमने स्टडी किया कि कौम परस्ती के बढ़ती हुई लहरें मजहबी अकलियतों के खिलाफ इम्तियाज, फर्क और अदम एतमाद का बायस बने, जिससे उनके हकूक मुतासर हुए। फोर्थ पॉइंट हमारा था सकाफत, फनून और तामीरात के बारे में। तो उस्मानी सल्तनत ने सकाफती इतिहाद में किस तरह से किरदार अदा किया। उस्मानी सल्तनत ने मुख्तलिफ सकाफतों, ज़बानों और मजहबों के दरमियान इतिहाद को फ़रोग़ दिया, जिसके नतीजे में एक मुनफरद सकाफती वसा बना। उस्मानी फ़न और खताती की कुछ खास खसूसियात क्या थी? उस्मानी फ़न की खसूसियात में जाज़िब नज़र, रंग, तफसील से भरपूर डिज़ाइन और खताती के इंतहाई महारत शामिल है। देन हमने स्टडी किया उस्मानियों का अहम तामीराती कारनामा और उसकी अहमियत क्या थी। अयूब सुल्तान जामे मस्जिद इस्तांबुल में वाक़ एक अहम तामीराती कारनामा है, जो अपनी खूबसूरती और फ़न तामीर की महारत की वजह से मशहूर है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेमार सनान कौन था और वो उस्मानी तामीरात में क्या जाना जाता है। मेमार सनान उस्मानी दौर का मारूफ मेमार था, जिसने कई मशहूर मसाजिद और इमारतें बनाई, जिसमें सुलेमानिया मस्जिद भी शामिल है। देन हमने स्टडी किया उस्मानियों ने साइंसी और इल्मी तरक्यात में किस तरह से तावन किया। तो उस्मानी सल्तनत ने मुख्तलिफ अलूम जैसे रियाजी, तिब और फलसफा में तहकीकात को फ़रोग़ दिया और कई मरूफ साइंसदानों और दानिश्वरों की सरपरस्ती की। तो ये था उस्मानी सल्तनत का दौर और उसमें हमने मुख्तलिफ इसके पॉइंट्स को देखा। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching our video. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.